अच्छा जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट मीन्स मोस्टली चैप्टर्स आर फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट एंड टफ जॉब, ठीक है ना। और वैसे भी स्टूडेंट्स को जब FSC में आते हैं तो केमिस्ट्री से पाला पड़ता है और वो घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पेयरिंग स्कीम है 2021 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। इसी स्कीम के अकॉर्डिंग आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। दो MCQs तो इन चैप्टर्स में से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से 3 से 4 5 6 8, दो MCQ आर चैप्टर में से। 1 MCQ चैप्टर नंबर 2 7 9 10 और 11 में से होंगे। MCQs के लिए तो हमें तकरीबन कंप्लीट बुक करना होगी, यानी आप कोई स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास गेस्ट पेपर्स आए हुए हैं, हम दर्द के आए हैं, स्कॉलर्स वालों के आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स MCQs वहाँ से करें, मेरी सजेशन है, मैंने उनको थॉरली रीड किया है, बहुत अच्छे MCQs हैं। हर चैप्टर में से 50-60 MCQs हैं, ये आपके MCQs वहाँ से हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाएँ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। टोटल हमें 33 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिसमें से हमने 22 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 और क्वेश्चन नंबर 4 में 6, 8 और 8 16 और 6 22, 44 नंबर के ये हमारे होते हैं MCQs के, 17 मार्क्स हैं। मिस स्टूडेंट्स हमारी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 ये हम करेंगे, हमने कर लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में से 2 और चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यानी हम चैप्टर नंबर 9 को अगर छोड़ भी दें तो हम 3 और 2 5 और 4 9 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हम चैप्टर नंबर 9 नहीं करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 4 में से 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4, चैप्टर नंबर 8 और 11 हम छोड़ भी दें तो हम क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर लेंगे, कंप्लीट 8 कर लेंगे, ठीक है। 8 और 11 भी छोड़ दिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 6 में से 4, 7 में से 2, चैप्टर 10 अगर हम छोड़ भी दें तो फिर भी हम पूरे 6, 4 और 2 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम चैप्टर नंबर 8 9 10 11 चार चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पहला जो पहले चैप्टर से होगा दूसरा चौथे से होगा, ये आपको लाजमी करना चाहिए जी सर। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, आपने 3 करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जी सर। हर लॉन्ग क्वेश्चन का 8 नंबर हैं और 24 टोटल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 और 5 में से ये भी ज़रूर करना चाहिए, मैं कहता हूँ ये हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। 5 चैप्टर तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जी सर। आप कहेंगे तो आपको पढ़ा भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 और 7 में से, चैप्टर नंबर 6 भी बहुत सिंपल है, आई मीन सिंपल तो नहीं है लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है, नॉट टू डिफ़िकल्ट। थेरीज हैं एटॉमिक जो मीन्स के बॉन्डिंग के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। बच्चों चैप्टर नंबर 8 11 हम छोड़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 10 भी हम छोड़ सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7, तो हम 85/85 मार्क्स ले सकते हैं। बच्चों कुल मिला के बात यह है कि चैप्टर नंबर 8 छोड़ सकते हैं, 9 छोड़ सकते हैं, 10 छोड़ सकते हैं, 11 छोड़ सकते हैं। मेरे पास जो रिपीटर बच्चे आते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की सप्ली जिनकी होती है, जिन्होंने पास करना होता है, उनको मैं कभी भी पहले 7 से आगे मशवरा नहीं देता, 7 से आगे चैप्टर कभी नहीं करूँ। फर्स्ट 7 चैप्टर करें और पूरे मार्क्स की ओर करें। बस आपको पूरी बुक के MCQs करने होंगे गेस्ट पेपर्स में से। अब बच्चे जो है ना वो बेदखते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 से, समझ आ गई। आप लोग कहेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 मैं पढ़ा दूंगा, समझ बात। 5, 6 अगर आप मुझसे पढ़ लेंगे तो यू विल सी कि चैप्टर नंबर 5 और 6 तो बहुत दिलचस्प चैप्टर्स हैं, ऐसे मैथमेटिक्स की तरह अगर आपकी आपकी फिंगर टिप्स पे आ गए तो यू विल नेवर फॉरगेट देम। भाई बात समझे, ये थी हमारी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, ठीक है।